गुड मॉर्निंग। प्राणायाम की सीरीज के बाद में अब जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो है मेडिटेशन के लिए कौन से पोश्चर, ठीक है, वो ध्यानात्मक आसन। तो इस जो सीरीज के अंदर आपको मैं वन बाय वन सारे आसनास को क्लियर करूंगी, उनको कैसे लगाना है, कैसे बैठना है, क्या बेनिफिट होते हैं उनके, वो सारी चीजें क्लियर करूंगी। बट इन चीजों से पहले हमको पता होना चाहिए कि आसन का मीनिंग क्या होता है। पतंजलि योग सूत्र के अंदर जो अष्टांग योग दे रखा है उसमें एट लिम्स में यम, नियम एंड आसन, आसन थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी आसन का जो मीनिंग दे रखा है पतंजलि योग सूत्र में, तो उस मीनिंग में ये दे रखा है कि स्थिर सुख आसनम, जिस आसन के अंदर हम बहुत देर तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं वो होता है आसन। ठीक है, आसन का मीनिंग होता है कि जिस पोश्चर के अंदर आप बहुत देर तक स्थिर पूर्वक बिना हिले डुले बैठ सकते हैं वो होता है आसन। ठीक है, अब आसन तो यूं तो बहुत सारे आसन है, बट मेडिटेशन के लिए जो पोश्चर जो बनाए गए वो ऐसे बनाए गए जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे और आप बहुत टाइम तक उसमें सीधे बैठ सकते हैं मेडिटेशन के लिए। अदरवाइज आप किसी भी आसन के अंदर इतने स्पाइन कॉर्ड को आप सीधा रख के नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो मेडिटेशन के लिए अलग आसन इसीलिए बनाए गए। बाकी तो बहुत सारे आसन से आप उसके अंदर मेडिटेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपकी स्पाइन कॉर्ड सीधी नहीं रहेगी, उसके बाद में भी आप है ना उसमें लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते। तो स्थिरता पूर्वक जिस आसन में आप लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हैं वो होता है आसन, उसका मीनिंग, आसन का मीनिंग ये होता है। अब बाकी के आसनास से ध्यानात्मक आसन कैसे चेंज है वो इस टाइप से चेंज है, मैं आपको बताऊं कि आप जब बैठते हो इन ये जो सिक्स पोश्चर जो दे रखे ध्यान के लिए मेडिटेशन के लिए, इन पोश्चर के अंदर आप जब बैठते हो तो आपकी बॉडी का जो शेप होता है वो पिरामिड के जैसा हो जाता है। ठीक है, पिरामिड के टाइप आपकी बॉडी होती है। अब पिरामिड और मेडिटेशन की जो पोश्चर उसमें क्या कनेक्शन है, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, इनका जो शेप होता है ऊपर से वो इस टाइप से होता है, पिरामिड के जैसा होता है। तो मेन रीजन ये होता है कि पिरामिड के अंदर कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है, तो इसी रीजन से ही ये आसन बनाए गए कि आप जब इन आसनास के अंदर बैठते हो तो आपकी बॉडी का शेप पिरामिड के जैसा होता है और कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो आपके बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो। और जितनी कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा और आपके उसको बेनिफिट आपको और ज्यादा मिलेंगे। इसलिए इन आसनास को ऐसे ही बनाया गया कि आपकी बॉडी का शेप पिरामिड के जैसा हो। तो अब जो मेडिटेशन के लिए जो पोश्चर है ये सिक्स पोश्चर, उसमें वन बाय वन में आपको एक 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 चीज को क्लियर करूंगी कि आपको किस टाइप से इन पोश्चर को करना है। पर जब भी आप मेडिटेशन की जो पोश्चर है उनको ट्राई करें उसमें इन चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो पोश्चर है उसमें स्पाइन कॉर्ड आपका सीधा होना चाहिए और आपको कौन सी मुद्रा में बैठना चाहिए ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने आज का जो फर्स्ट वीडियो तो वो ऐसे बताया ताकि आपको पता हो कि मेडिटेशन के पोश्चर और बाकी के पोश्चर में क्या डिफरेंस है और इन पोश्चर को कैसे लगाया जाता है ये मैं आगे बताऊंगी। बट अभी सिंपल में इन पोश्चर का आज के वीडियो के अंदर नेम बता देती हूँ। फर्स्ट जो है वो है सुखासन, फिर है अर्ध पद्मासन, फिर है पद्मासन, फिर है स्वास्तिक आसन, फिर है वज्रासन। और ये जितने भी आसन है वो सारे मेडिटेशन के पोश्चर है और एक 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 वन बाय वन में आपको इसको सारा क्लियर करके बताऊंगी कि इसको कैसे बैठना होता है और किस टाइप से इसको लगाना होता है। तो आज का वीडियो आसनास के ऊपर मेडिटेशन पोश्चर को आपने नेम जान लिया है और ये किस टाइप से होते वो मैंने बता दिया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट आसन लूंगी वो होगा सुखासन। ठीक है, थैंक यू।